हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीड लीडको डेली चैलेंज सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वेर ऑफ अ सॉर्टेड एरे कंपनी टैक्स में मैं तो ब्लूमबर्ग्स को ढूंढूंगा और uh, नहीं मिला ओ oh, मिल गया मिल गया ब्लूम्स <laughs> बहुत सारी कंपनियाँ बट ये हमेशा मिल रहा है मैं तो मैं उसी को ढूंढता हूँ सो गिवेन एन इंटीजियर एरे नम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर रिटर्न एन एरे ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ ईच नंबर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ओके आई ऑलरेडी टोल्ड यू नॉन डिक्रीजिंग मतलब एक फैशनेबल वे है कहने का कि इंक्रीजिंग ऑर्डर सो यहाँ पर कुछ है बेसिकली हमें करना क्या क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ तो आपको एक एरे दिया होगा यार सिंपल है ना आपको क्या करना है कि उस एरे को शॉर्ट कर देना है बट कैसे उनके स्क्वेयर्स के फॉर्म में और इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए यानी कि अगर मैं नंबर का स्क्वेयर कर लूँ सबका ठीक है तो एक ऐसा बनेगा दिस विल बी हंड्रेड दिस विल भी नाइन दिस विल भी जीरो दिस विल भी वन दिस विल भी सिक्सटीन अब इन्हें अगर आप सॉर्ट कर लो तो आंसर वुड भी जीरो वन नाइन सिक्सटीन एंड हंड्रेड ठीक है सो दिस यू हैव टू रिटर्न अब अगेन इस क्वेश्चन को कुछ था सॉल्व हो गया तुरंत तो ही क्योंकि यही तो करना ही था आप क्या करो एक वेरिएबल बना लो इसका स्क्वेयर किया और यहीं पर स्टोर कर दिया ठीक है या फिर कोई नया एरे बना है, वहाँ पे स्टोर कर दिया लेट से दिस इज़ आवर न्यू एरे ठीक है ये हमारा न्यू एरे था और हम यहीं पे स्टोर करते चले गए पहला नंबर मिला उसका स्क्वायर स्टोर कर दिया देन आगे गए इसका स्क्वायर यहाँ पे स्टोर कर दिया देन यहाँ गए इसका स्क्वायर किया यहाँ गए इसका स्क्वायर किया यहाँ गए इसका स्क्वायर कर दिया ठीक है ये आपका स्क्वेड एरे हो गया अब इसमें आपने कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक यूज कर ली सॉर्टिंग टेक्निक यूज कर ली एंड आपको आंसर मिल गया अभी सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एंड लॉग इन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब आप एक्स्ट्रा एक एरे बना रहे हो तो यू कैन से बिग ऑफ फेन बाय द वे आपको जो आंसर रिटर्न करें दिस इज स्पेस ओके दिस इज स्पेस बट हाँ ऑफ फैन टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा राइट Uh, इसका स्क्वेयेर यहाँ निकालने में तो दिस इज द एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग गो ऑफ एन अब ये कब होगा जब आप इस वाले एरे को कंसिडर करो बिकॉज हमें आंसर में एक एरे ही रिटर्न करना है एंड वी आर डूइंग दैट ओनली तो स्पेस uh, कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है कि आपकी एल्गोरिथम कितना एक्स्ट्रा स्पेस ले रही है तो ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है दिस इज दी आज स्पेस ठीक है अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है सो आई एल नॉट काउंट इट एज एन एक्स्ट्रा स्पेस सो यू कैन एक्सप्लेन टू योर इंटरव्यूअर कि भाई ये कॉन्स्टेंट आपने आंसर एरे मांगा सो वी आर डूइंग बिग गोफेन फॉर दिस एरे फॉर क्रिएटिंग दिस एरे ठीक है सन में आया नाउ इज इट दैट सिंपल अगर इतना सिंपल है मैंने वीडियो क्यों बनाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्वेश्चन में वापस चलते हैं अगर आप नीचे कंसेंट्स में जाओ तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है भाई कि स्क्वेयरिंग ईच एलिमेंट एंड शॉर्टिंग द न्यू एरे इज़ वेरी ट्रिवियल मतलब ये बच्चे करते हैं ये मत करो भाई तुम ये कह रहा है कुड यू फाइंड एन ओ ऑफ एन सोल्यूशन यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच क्या आप इसे ओ ऑफ एन सोल्यूशन में कर सकते हो कोई और अप्रोच यूज करके एंड ऑब्वियसली आपको इंटरव्यूअर ने पहले ही बोला भाई कि ये सॉर्टेड है सब कुछ है तो मतलब आप उसको वापस से स्क्वायर कर रहे हो फिर से सॉर्ट कर रहे हो तो चलो इसे थोड़ा अच्छे से तरीके से सॉल्व करते हैं सो so, uh, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों बना क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स आ गए लेट्स रिमूव दिस पार्ट ओके अगर हमें सिर्फ जीरो थ्री एंड टेन में लगता यानी कि ऑल पॉजिटिव नंबर जीरोज़ भी है कोई दिक्कत नहीं है तब आप क्या करते तब ये डेफिनेटली एक बिग ऑफ एन सोल्यूशन था क्या करना था यहाँ जाना था स्क्वायर कर देना था यहाँ जाना था स्क्वायर कर देना था यहाँ जाना था स्क्वायर कर देना था आंसर आ गया क्यों क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है कि ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और आपको रिजल्ट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्क्वेयर्स में देना है तो बस आइटरेट करो स्क्वेयर कर दो दैट्स इट बट जब नेगेटिव नंबर्स आ गए तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जैसे माइनस uh, फोर की बात करें तो नेगेटिव नंबर अपना स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव बन जाते सिक्सटीन बन गया और ये यहाँ पे नाइन है यहाँ पे हंड्रेड है यानी कि ये सिक्सटीन उठ करके इनके बीच में चला आया तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी इसलिए हमने सॉर्ट किया बट अगेन एक और हिंट आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये सारे सॉर्टेड हैं ये जो एरे है जो आपका इनपुट एरे दैट इज़ ऑल्सो सॉर्टेड तो आप इसके सॉर्टेड होने का फ़ायदा उठाओ कैसे

इधर के नंबर भी वन से बड़े आप कहोगे यार भैया माइनस फोर छोटा होता है माइनस वन से अग्रीड बस इसका जब स्क्र करोगे तो ये सिक्सटीन बन जाएगा पॉजिटिव नंबर बन गया यानी कि अगला ट्वेंटी फाइव अगला थर्टी सिक्स मतलब जो भी नंबर है बट वो बड़े ही होने वाले हैं क्योंकि अब ऑब्वियसली माइनस फाइव माइनस फोर से छोटा है माइनस इलेवन माइनस फोर से छोटा है तो ये सारे इधर ही आएंगे बट जब इनका आप स्क्र कर दोगे तो इसका स्क्वेयर होता है वन ट्वेंटी वन और इसका स्क्वेयर होता है सिक्सटीन तो ये रिवर्स हो गई कहानी तो वी कैन डेफिनेटली से कि जीरो के बाद जो अगले दो कंटेंडर हैं जो सबसे छोटे हैं सारे में दो हज़ार माइनस वन एंड थ्री ये दोनों तो इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर है वन इसका स्क्वायर है नाइन तो वी कैन पुट वन हीर और क्योंकि हमने वन पुट कर दिया एल को एक आगे शिफ्ट कर दो ठीक है मतलब आ, ये इंडेक्सिंग एक्चुअली माइनस माइनस होगी एल माइनस माइनस होगा और आर आपका प्लस प्लस हो रहा है ठीक है नाउ अब कौन दो लोग हैं माइनस फोर एंड थ्री इनमें कंपटीशन चलेगा मेरे को पता चल गया थ्री का स्क्वायर छोटा होता है सिक्सटीन से तो मैंने नाइन इंसर्ट कर दिया इस बारी राइट को बढ़ा दिया ठीक है नेक्स्ट वैल्यू है टेन एंड माइनस फोर अब यहाँ क्या, क्या करना है तो ये है सिक्सटीन ये है हंड्रेड क्या रखोगे सिक्सटीन या हंड्रेड विल पुट सिक्सटीन छोटा वैल्यू है ना देन लेफ्ट बाहर चला गया अब जैसे ही दोनों में से कोई भी एक बाहर चला जाए राइट वाले मतलब जो भी बच रहा है उसको पूरा एंड तक ले जाओ और कॉपी कर दो तो यहाँ हंड्रेड हो गया अब लेट्स से यहाँ पे 12 भी होता तो इधर हम वन डाल देते हैं राइट यू गॉट द करक्स कि बचे हुए जितने एलिमेंट्स हैं चाहे इधर बचता चाहे इधर बचता उसको एज इट इज़ कॉपी कर देते स्क्वायर करके दिस इज़ योर आंसर ठीक है अब एक ऐसा टाइम है बिग ऑफ एन टाइम फॉर दिस टू पॉइंटर अप्रोच प्लस एक्स्ट्रा बिग ऑफ एन टाइम किस लिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए ओके okay? तो दिस इज अ गुड अप्रोच नॉट वेरी बैड बिग ऑफ 2n, एन इंटरव्यूअर विल बी हैप्पी बट नाउ ही लास्क यू क्या आप बिना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढे कर सकते हो कर सकते हैं राइट right? कैसे फिर से समझते हैं मैंने क्या किया था मैंने सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढा उसे फर्स्ट पोजीशन पे डाला और मैंने कहा इस पोजीशन का कंटेंडर ढूंढो वो इन दोनों में से था क्योंकि ये अगले सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं सिमिलरली क्योंकि ये सॉर्टेड है वॉट एल डू हेयर इज मैं अगर इसे पीछे से फिल करना स्टार्ट कर दूँ आई डोंट वॉन्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट मैं इसे उल्टा भरूंगा ठीक है मेरे को पता है टेन लार्जेस्ट है ठीक है टेन इज़ दी लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे और मुझे गारंटी नहीं है कि फोर लार्जेस्ट है या नहीं अगर कोई नंबर है जो टेन से लार्जेस्ट हो सकता है तो इस एरे में क्या होगा माइनस एलेवन माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन कोई पॉजिटिव नंबर तो होगा नहीं दैट मीन्स वॉट आई वॉन्टेड टू से इस कि मुझे पता है कि जो दो लोग मैक्सिमम एलिमेंट के कंटेंडर हैं वो एरे के बाउंड्री पे बैठे हैं तो क्यों ना मैं इस एरे को रिवर्स ऑर्डर में भर लूँ तो मैं अब यहाँ से फिल करना स्टार्ट करूँगा मैं कहूँगा यार टेन और माइनस फोर में मैक्सिमम कौन सा है तो टेन का स्क्वायर किया हंड्रेड और माइनस फोर का स्क्वायर किया सिक्सटीन कौन सा बड़ा है हंड्रेड तो मैंने यहाँ पे हंड्रेड स्टोर कर दिया सिंपल कुछ करना ही नहीं है अब क्योंकि हंड्रेड हो गया आर माइनस माइनस फिर से कंटेंडर कौन है एक है सिक्सटीन एक है नाइन कौन सा बड़ा है सिक्सटीन तो विल टेक सिक्सटीन ठीक है हमने यहाँ पे सिक्सटीन रखा क्योंकि सिक्सटीन रखा तो एल प्लस प्लस ठीक है तो इस बार आर माइनस माइनस हो रहा है एल प्लस प्लस हो रहा है ठीक है बेस अपॉन इंडेक्सेस समझ में आए नेक्स्ट दो कौन है माइनस वन एंड थ्री तो थ्री का स्क्वायर ऑब्वियसली बड़ा होगा नाइन बड़ा होता है मैंने नाइन को स्टोर किया आर को कर दिया माइनस माइनस अभी माइनस वन एन जीरो में कौन सा बड़ा है तो वन का स्क्वायर बड़ा होता है तो मैंने वन को स्टोर कर दिया और एल प्लस प्लस कर दिया नाउ यू आर एट सेम एलिमेंट तो आप किसी को भी रख सकते हो एल ई आर तो मैं कंडीशन ऐसी लिखूंगा कि इफ स्क्वेयर ऑफ लेट्स स्टार्ट या स्क्र ऑफ़ लेफ्ट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू स्क्र ऑफ राइट ठीक है तो मैंने इक्वल टू वाली कंडीशन यहाँ पर चेक कर ली तो इससे क्या होगा कि जीरो मतलब ऑब्वियसली जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये कंडीशन ट्रू हो गई तब आप यहाँ पर क्या करोगे लेट्स कॉल दिस एज जे और क्योंकि हम पीछे से स्टोर कर रहे हैं ना तो जे जे बेसिकली सबसे पहले वन टू थ्री फोर फाइव इसकी साइज़ है फाइव तो जे होगा फोर थर इंडेक्स पे राइट right? क्योंकि जीरो टू फोर इंडेक्सिंग होती है राइट अगर साइज़ फाइव है तो हम कहेंगे जे फोर पे था फिर जे थ्री पे आया फिर जे टू पर आया फिर जे वन पे आया अभी जे जीरो पर है अपने कंटेंडर का वेट कर रहा है तो हम कहेंगे भाई आ, ये जो भी है लेट्स कॉल इट रिजल्ट कि रिजल्ट ऑफ जीरो रिजल्ट ऑफ जे एक्चुअली विल बी स्क्वेर रूट ऑफ एल सॉरी नॉट स्क् रूट स्क्वेयर ऑफ एल ओके ये एल्स कंडीशन में विल से रिजल्ट ऑफ जे इज़ इक्वल टू स्क्र ऑफ राइट ठीक है अब ऑब्वियसली जब आप राइट right देखोगे तो आप कहोगे राइट माइनस माइनस जब आप लेफ्ट देखोगे तो आप कहोगे लेफ्ट प्लस प्लस दैट्स इट कितना टाइम लगा ओ ऑफ एन क्या कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ये तो अरे आज ही है हमारे आउटपुट में ओके okay. सो so बस यार हो गया सॉल्व इसमें क्या कुछ कुछ था नहीं था ठीक है थोड़ा सा दिमाग एन हो गया नाउ सबसे पहले अपना रिजल्ट बनाते हैं आर ई एस ओके इज इक्वल टू न्यू एंट क्या साइज का रिजल्ट होगा जिस साइज का ऑब्वियसली आपका नम्ब है तो से एंट n is equal to nums dot le okay a same size ka result banega. then int left is equal to zero and right is equal to n minus one okay now we can say y left is less than equal to right समझने की कोशिश करना मैंने लेस दैन इक्वल टू क्यों करा क्योंकि जब हमने देखा नए कंडीशन लेफ्ट और राइट सेम वेरिएबल पे आएगा उस समय तक हमने स्टोर नहीं किया था दिस इज इंपॉर्टेंट राइट नेक्स्ट मैं बना लेता हूँ जे साइल से एन जे इज इक्वल टू ये वी एन माइनस वन पीछे से चलेगा ओके okay, जे हमारे रिजल्ट आ रे की इंडेक्स होने वाला है तो वाट आई एम गोइंग टू डू हेयर इज इफ लेट्स फाइंड द फाइन दम्स ऑफ लेफ्ट इन टू या मैं इसे स्टोर कर लेता हूँ राइट right? s uh, we can say square of left is equal to uh, nums of left into nums of left cut paste and nums of left okay e okay square of left okay and similarly we can say square of right right uh, right is equal to square of right नाउ सिंपल वी कैन से सेफ स्क्वेयर ऑफ लेफ्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे से रूट ऑफ राइट से ठीक है तो अगर ऐसा है तो रिजल्ट ऑफ जे रिजल्ट ऑफ जे अब कौन सा बड़ा वाला एलिमेंट स्टोर करना है क्योंकि एंड से स्टोर करना है तो एल से स्क्वेयर रूट ऑफ लेफ्ट तुम रख लो भाई एंड में है ना तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पीछे चला गया अब क्योंकि लेफ्ट uh, वाला गया है, तो वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू डू लेफ्ट प्लस प्लस जे माइनस माइनस भी करना है बट वॉट विल डू हेर इज कि इसे कर लेते हैं कॉपी ठीक है copy, एंड नॉट एक्चुअली कापी मुझे एल्स इतने पार्ट को कापी करना था जिस कापी दिस एंड वी कैन से पेस्ट और यहाँ पर आ जाएगा राइट right, ठीक है अभी जे में राइट right आया और क्योंकि राइट right आया तो वी हैव टू डू राइट माइनस माइनस आई होप ये तो क्लियर है ना कि हम लेफ्ट कर रहे हैं तो प्लस प्लस राइट कर रहे हैं तो माइनस माइनस अब लेफ्ट जीरो से शुरू हो रहा है लास्ट में बढ़ रहा है तो प्लस प्लस राइट तुम्हारा एंड से शुरू हो रहा है जीरो की तरफ आ रहे है, तो राइट माइनस माइनस इंडेक्सिंग है राइट right? इस तरीके से सो दिस इज़ डन ठीक है ये हमने कर लिया एफ uh, भी हो गया एल्स भी हो गया एक पार्ट हमने नहीं किया विच इज़ जे माइनस माइनस ऑब्वियसली जे आपने लास्ट एलिमेंट फिल किया अब अगली बार के लिए इस इंडेक्स के लिए देखोगे फिर इससे मतलब लास्ट सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट ऐसे ठीक है तो आई गेस दिस इज़ डन नाउ वी कैन सिंपली से रिटर्न रिजल्ट ठीक है फाइनली हमारा रिजल्ट रिटर्न कर देते हैं चलो तो इसे रन करा के देखते हैं होपफुली दिस शुड वर्क एंड इट डेड बाई जीरो एम एस क्या बात है नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एज वेल बॉस सही कंप्लीशन विक थर्टीन डेज कंसिस्टेंसी इज द की सी यू टुमारो यही मैं भी कहना चाहता हूँ सी यू टुमारो बट उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है इस वीडियो पे भी बाकी वीडियोस की तरह लाइक टारगेट होता है आप प्लीज़ लाइक करो तभी लाइक करो कमेंट करो तभी शेयर होता है यार बाकी सबके साथ यूट्यूब को पता होना चाहिए कि ये कॉन्टेंट शेयरेबल है भी कि नहीं तो प्लीज़ अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें मैं मिलता हूँ आपसे कल लेट सी कितने दिन हम ये स्ट्रिक मेंटेन कर पाते हैं आई एम प्लानिंग नहीं अभी नहीं बोलूँगा नजर लग जाती है लेट्स सी यू टुमारो बाय बाय एंड टेक केयर